हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्वश्रेष्ठ 100 यानी कि 100 वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित हैं। इस वीडियो से आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक यानी एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने शासन किया, तो इनकी समय अवधि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 319 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य में गुप्त वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, चार अश्वमेधों का संपादन किया था। क्वेश्चन है, चार अश्वमेधों का संपादन किया था, तो ये किया था प्रवर सेन प्रथम ने। किसने? प्रवर सेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था। क्वेश्चन है, गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देता है, तो ये देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, तो जहांगीर का। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका? जहांगीर का। पृथ्वी वया प्रथम वीर उपाधि थी, तो ये थी समुद्रगुप्त की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी वया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? समुद्रगुप्त की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ये। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, आंसर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्वेश्चन है, हूणों ने आक्रमण किया था, राइट आंसर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, राइट आंसर है भीतरी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, आंसर है भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो है, तो देखिए, हूण आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंतीय ढांचा, फिर है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, इसके बाद है अयुग उत्तराधिकारी। ये रहे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, शक विजेता के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, आंसर है शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वह था, तो इसको बोलते हैं ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पतन से संचालित होता था वह है, तो राइट आंसर है ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इसलिए। प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, तो देखिए, श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों तथा मानकों एवं कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्याय की अधिकार होता था।
धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भास्कराचार्य का संबंध प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन है? तो धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित व्यक्ति हैं। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकृति के क्षेत्र थे। क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकृति के क्षेत्र थे। तो देखिए, प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। पांचवी सती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था तथा सातवीं सती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसलिए प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकृति के क्षेत्र माने जाते हैं। चंद्रगुप्त ने नौ रत्नों में से फलित ज्योतिषी से संबंधित था। तो देखिए, छपड़क ये चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से फलित ज्योतिषी से संबंधित थे। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे कालिदास, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, तो ये थी दीनार, ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, क्या थी? दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिया गया नाम रूपक। क्वेश्चन ऐसा भी इस प्रकार भी आता है कि रूपक मुद्राएं किसने चलवाई, तो ये गुप्तकाल में चलवाई गई थी। और देखिए क्या कह रहा है, रजत मुद्राओं को रूपक कहते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो ये बोलते थे प्राकृत भाषा में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। सती प्रथा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है एरण अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? एरण अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। देखिए दोस्तों, यहां एक तरफ सम्राट लिखे हैं और एक तरफ लिखा है विरुद्ध, ये इनकी उपनाम है एक तरह से, यानी कि इनको उपाधियां दी हैं, इन्हें इस नाम से जाना जाता था। तो देखिए किसको किस नाम दिया, किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, अशोक महान को कहते थे प्रियदर्शी, या फिर इसको प्रियदर्शी भी कहते थे, ठीक है, प्रियदर्शी कह लीजिए या प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त को उपाधि दी गई थी पराक्रमांकी, किसकी? पराक्रमांकी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि आप जानते ही हैं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इन्होंने, और स्कंदगुप्त ने की कर्मादित्य की उपाधि। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये था गुप्त काल की विशेषता। मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, किसने? गुप्त वंश ने। क्वेश्चन है, मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, किसने? गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो देखिए यहाँ बात कर रहा है स्वर्ण युग किसका? प्राचीन भारत के वंश में, तो ये था गुप्त वंश, ठीक है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त वंश था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो ये थी उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, तो ये था उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? उपज का छठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, किसको? ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य में कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, किसको? ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो इसको बोलते थे विदक भागम, ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों एवं उपकरण हेतु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, किस लिए? लोहे के यंत्रों एवं उपकरण हेतु। तोरमाड़ था, तो ये था हूण जाति का दल, ठीक है। तोरमाड़ क्या था? हूण जातीय दल था ये। अगला क्वेश्चन है, हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, तो इसको किसने पराजित किया? बालदित्या एवं यशोधर्मन ने। किसने? हूण शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया? बालदित्या एवं यशोधर्मन ने। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस से किस विषय वस्तु के किसकी विषय वस्तु है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की
भी संधियों के बारे में बताया गया है, किसमें? विशाख दत्त के द्वारा लिखे गए नाटक मुद्रा राक्षस में। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने देवी अधिकारों का दावा किया? क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने देवी अधिकारों का दावा किया? राइट आंसर है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रित था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल का उद्भव हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। क्वेश्चन है, शतरंज खेल का उद्भूत हुआ था, आंसर है भारत में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपको किताब और राइटर दोनों मिलेंगे देखने को। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसका नाम है मृच्छकटिकम का विषय था, तो ये एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है या किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है। अब ध्यान रखिए, ये किसके बारे में बताया गया है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है, तो यह है कपिल का, ये कपिल मुनि की बात कर रहे हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कपिल मुनि का। भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में देखिए क्या बताया गया है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो यह है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अष्टांग योग के अंक हैं, तो देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग का अष्टांग योग के अंक हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी थे, तो ये थे पुष्यमित्र सुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी यानी कि किसके समय में थे, तो ये थे पुष्यमित्र सुंग के समय में। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये थे उदयन तथा उदयनाचार्य एवं गंगेश। नव्य न्याय संप्रदाय यानी कि स्कूल के संस्थापक थे उदयन तथा उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भसीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो यह चार्वकों की उक्ति, ठीक है, चार्वक के द्वारा कहे गए ये शब्द हैं। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे, तो ये थे कणाद। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे पहले हमने पतंजलि का नाम भी सुना और अब आए हैं वैश्विक दर्शन के कणाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, मीमांसा के प्रवर्तक, देखिए प्रेरणता के लिए प्रवर्तक के लिए बात बराबर है, मीमांसा के प्रेरणता कौन है? जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, आंसर है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं, तो ये बताया गया है मीमांसा में कि वेद शाश्वत सत्य हैं। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय सरल दर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कपालिक ये दोनों ही भारतीय सरल दर्शन के भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ये किया सकती है ज्ञान के द्वारा। शंकराचार्य अभिनव गुप्त रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है, तो किसके संबंध नहीं है? अभिनव गुप्ता के वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। सॉरी दोस्तों, मैं दो बार गुप्ता बोल दिया, गुप्त है ये, अभिनव गुप्त। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में
दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो ये होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य के अभिलेख के तिथि अंकन में सक संवत का वर्ष 556 दिया गया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष होगा 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो यह था प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर। मोखरी शासकों की राजधानी थी, तो ये थी कन्नौज। ठीक है, मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हरिशीर्ण, कलहड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचना निहित है, तो ये है कलहड़। ठीक है, हरिशीर्ण, कलहड़ एवं कालिदास में वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, तो वह राइटर हैं आपके कलहड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी, तो इसको लिखा बाणभट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ये इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। किसके? हर्ष के, राजा हर्ष के। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, कहां पर? कन्नौज में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हर्ष के बारे में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित की थी, थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां पर? कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पे किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो राइट आंसर है प्रयाग। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन के दो स्थान कौन से हैं जहां पर धार्मिक सम्मेलन हुए, कन्नौज तथा प्रयाग। अब फिर से क्वेश्चन बनाया कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, आंसर है प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो ये रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशन द्वितीय ने। कवि बाण निवासी था, तो ये था प्रतिकूटा का। ये सोन नदी के किनारे बिहार में है। ठीक है, कवि बाण निवासी था कहाँ का? प्रतिकूटा स्थान का, जो कि सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में है। हैनसांग भारत आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हैनसांग भारत आया था, तो ये आया था सम्राट हर्ष के शासन काल में। देखिए लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत की यात्रा करने वाले किस चीनी यात्री ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है? देखिए, अब इसमें से कोई भी एक लाइन आपको दे देगा एग्जामिनर, ठीक है, एग्जाम में। देखिए क्या क्या कहा गया। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध की जांच कैसे की जाती थी? जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, तो ये कहा है हैनसांग ने, और यहाँ पर क्या लिखा है? युआन चांग। ठीक है, युआन चांग और ब्रैकेट में हैनसांग, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। हैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये था मथुरा। ठीक है, हैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। कौश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, गुप्त काल से कौश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए? रेशम के लिए। चीनी यात्री हैनसांग ने अध्ययन किया, तो इसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, चीनी यात्री हैनसांग ने कहां अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो इसकी एक रचना थी जिसका नाम है सी यू की। ठीक है ना दोस्तों, इसके कारण इसे भारत में आज भी याद किया जाता है। ठीक है, हैनसांग की ये रचना है, क्या नाम है इसका? सी यू की। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, तो ये था हैनसांग। ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री था हैनसांग जिसने भीन माल की यात्रा की। चीनी यात्री इसिंग बिहार का भ्रमण किया, तो इसने लगभग 671 अथवा 672 से 693 अथवा 694 ईसी में बिहार का भ्रमण किया था। किसने? चीनी यात्री इसिंग ने। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते थे इन तू नाम से। ठीक है, क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? इन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो इसका विनाश का कारण है मुस्लिम आक्रमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? मुस्लिम आक्रमण।
भारत में सबसे प्राचीन बिहार है तो यह है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा बिहार। नालंदा स्थित है कहां पर? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा कहां पर है? बिहार राज्य में। गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो ये था कन्नौज। इसका बार बार जिक्र हुआ है कन्नौज का। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्था वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो देखिए, सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या हैं? भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान समकालीन था। तो देखिए, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री हैनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक इसने बताया है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट नाम है, ये बार बार आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन है? ये आदित्य दर्शन के संस्थापक हैं। पहले हमने पढ़ा था आदित्य दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। अब देखिए इनकी विशेषता, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ। आंसर है इसका केरल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। तो देखिए, इन 4 मठों को ध्यान रखिएगा, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में है ये। अब देखिए, यहाँ पर एक सूची दी है, कवि हैं और उनके शासक हैं कि ये किस शासक के समय में थे कवि, और सारे ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से कभी ना एक 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 ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट होता रहता है यहाँ से, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, कवि हैं पहले यहाँ पर रवि कीर्ति, ये थे पुलकेशन द्वितीय के समय में। ठीक है, रवि कीर्ति किसके समय में थे? पुलकेशन द्वितीय। इम्पोर्टेंट है भव्य भूति, कवि का नाम है भव्य भूति, ये किसके समय में थे? कन्नौज के यशो वर्मन के समय। ठीक है, हरिसेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, हरिसेन कवि किसके दरबार में थे? ये समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, बात करते हैं हरिसेन, ये कवि थे किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के में। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, हरिसेन कवि है ये, किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। इसके बाद बात करते हैं दंडी, तो ये थे नरसिंह वर्मन के दरबार में, यानी किनके समय में। इसके बाद बात करते हैं अमीर खुसरो, इम्पोर्टेंट नाम है अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे ये। बात करते हैं कालिदास की, कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। देखिए, हरिसेन और कालिदास, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोबारा फिर से आ गया यहाँ पर हरिसेन, समुद्रगुप्त के समय में, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र को लिखा था, और ये हर्षवर्धन के समय में थे। ठीक है, बाण भट्ट कवि थे किसके समय में, किस राजा के समय में? हर्षवर्धन के समय में। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।